दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बिगिनर्स के लिए। लास्ट वीडियो में हमने फाइल मेनू और होम टैग कंप्लीट करवा दिया था, और अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, और ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कम से कम आधे से ज़्यादा वर्ड यहाँ पर क्लियर कर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीखते हैं। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे इंसर्ट टैग से। ठीक है, इंसर्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो हमने बताया था ग्रुप वाइज, सबसे पहले पेज ग्रुप है, फिर टेबल ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ऐप, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सैम्पल्स, ये ग्रुप होते हैं इंसर्ट टैग के अंदर। सबसे पहले आता है हमारे पास पेज, कि हमको पेज किस प्रकार का चाहिए। हमने कोई कवर पेज तैयार करना है तो हम यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन हैं। जिस प्रकार का आप कवर पेज तैयार करना चाहें वो कवर पेज चुन लें और उसमें टेक्स्ट में एडिट कर दें। उसके बाद आता है ब्लैंक पेन, अगर हमको खाली ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक ले सकते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक, हमारे पास एक पेज है, आप देख रहे हैं ना, आगे आधा पेज भरा हुआ है, आधा खाली है। अगर हमने इस पेज में बाकी का काम नहीं करना है और यहाँ से हमने अब नेक्स्ट पेज लेना है तो हम यहाँ से पेज ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखो उसके बाद कर्सर हमारा सीधा नेक्स्ट पेज में आ गया, एक पेज और बन गया। शॉर्ट की भी होती है इसकी, अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर यूज़ करेंगे तो भी पेज ब्रेक बन जाएगा, बैक स्पेस यूज़ कर देंगे तो वो पेज ब्रेक हट जाएगा। या फिर आप चाहें कि हमने पेज को ब्रेक करना है इन दो पैराग्राफ्स के बाद यहाँ से, तो यहाँ पे कर्सर पोजीशन को रखेंगे और पेज ब्रेक डाल देंगे, तो क्या होगा कि जहाँ पे कर्सर था वहाँ से पेज टूट जाएगा और दूसरे पेज में मैटर चला जाएगा। बैक स्पेस यूज करेंगे तो वापस उसी पेज में आ जाएंगे, वो पेज हट जाएगा वहाँ से। टेबल के अंदर आता है, हमको कुछ डाटा इस तरह से करना है कि नॉर्मल पैराग्राफ ना लिख के टेबलर फॉर्म में लिखना है, तब हम टेबल का यूज़ करेंगे। टेबल कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, टेबल में जाएंगे। सबसे पहले तो इंसर्ट टेबल में देखो कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये एक ब्लॉक एक सेल को दर्शाता है। यहाँ पे अगर हम दूसरे पे चले जाएंगे तो यानी कि दो कॉलम्स हो गए, तीसरे पे तीन कॉलम हो गए, चार पाँच, और नीचे आएंगे तो उतनी ही रो काउंट्स होती चली जाएंगी कि हमको कितने कॉलम और कितनी रो चाहिए। जितने पे हम जैसे मूव करते रहेंगे कर्सर को इसके ऊपर के, ये यहाँ पे शो करता रहेगा, और जहाँ हमने क्लिक कर दिया उतनी ही रो या कॉलम वहाँ इंसर्ट हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये एक टेबल यहाँ पे रेडी हो गई, या फिर वापस करता हूँ मैं कंट्रोल जेड और फिर से इंसर्ट में जाता हूँ, कि हमको ये पता है कि टेबल के अंदर हमको कितनी रो और कितने कॉलम चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम 10 रो तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा रो चाहिए तो देखो हम इंसर्ट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे कि भी कॉलम की संख्या कितनी चाहिए, हम कॉलम नंबर डाल देंगे, हमको चार ही कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे डाल देंगे चार, और रो कितनी चाहिए, रो हमको चाहिए 20 तो हम यहाँ पे डाल देंगे 20 रो, और ओके कर देंगे तो हमारे पास 20 रो और चार कॉलम की एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब आ जाती है टेबल की सेटिंग्स, फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखोगे आप टेबल में ओपन करके, ये ड्रॉ टेबल का भी ये भी बताता हूँ और कन्वर्ट का भी बताऊँगा। सबसे पहले जैसे हम टेबल के ऊपर हैं यहाँ पे, तो आप इस इंसर्ट मेन्यू में इधर राइट में चलोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो दो तरह के डिज़ाइन मिलेंगे, एक तो मिलेगा यहाँ पर डिज़ाइन और एक लेआउट, यानी कि टेबल के हैं हमको टेबल का लेआउट कैसा चाहिए वो लेआउट यहाँ से रख सकते हैं। लेआउट के अंदर सबसे पहले ग्रिड लाइंस हमको शो करनी है नहीं करनी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि हमने जो उसका टेक्स्ट है वो किस प्रकार चाहिए, या फिर कॉलम्स की विड्थ और रो की हाइट कितनी करनी है, तो प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टेबल्स के अंदर देखो हमने टेबल को सेट कहाँ करना है, अपने टेक्स्ट के हिसाब से, ये नीचे टेक्स्ट का सैम्पल दिखा रहा है, इस तरह से हमने टेबल को यूँ बीच में रखना है, कॉर्नर पर इधर रखना है, राइट कॉर्नर पर ऊपर रखना है, या टेक्स्ट पर ऐसे रखना है। तो इसके लिए टेबल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, उसी टेबल को रख सकते हैं, यदि हमारे पास टेबल इतनी बड़ी है तो उसको अपने पेज पे इस तरह से नहीं रख पाएंगे, है ना। दूसरा रो के लिए आता है कि रो की हाइट कितनी चाहिए हमको, तो यहाँ से स्पेसिफाई हाइट बढ़ाएंगे
तो जिस रो के अंदर हमारा जो कर्सर होगा उस रो की हाइट उतनी ही हो जाएगी। हमने इतना करके ओके कर दिया तो देखो हमारा कर्सर इस रो के अंदर था तो इसकी हाइट बढ़ गई। या इसकी विड्थ हमने फिक्स करनी है तो हम फिर से लेआउट के अंदर से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से हम इसकी विड्थ हमको कितनी कम चाहिए इस कॉलम की विड्थ तो कम कर लेंगे और ओके कर देंगे तो ये कॉलम की विड्थ उतनी हो जाएगी। ऐसे प्रत्येक कॉलम की अलग अलग हाइट और विड्थ वहाँ पे सेट कर सकते हैं। या नॉर्मली आप माउस से करना चाहें तो यूँ करके माउस से यूँ पकड़ के खिसकाएंगे तो भी इसकी रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को हम ऐसे पकड़ेंगे और कॉलम की विड्थ भी कम ज़्यादा हो सकती है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में। आगे आता है सेल का कि जो सेल के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट कहाँ पे चाहिए। चलिए पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने रो की हाइट बढ़ा दी, कॉलम की विड्थ भी बढ़ा दी और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। ओके, अब इस टेक्स्ट को हमने अलाइन कहाँ से करना है? ये तो कहाँ पे अलाइन हो गया, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हो गया ना। या इसको सेंटर में करना है या राइट में करना है या फिर थोड़ा मिडिल करना है या बॉटम में करना है, कहाँ पे करना है? इसके नौ अलाइनमेंट होते हैं। आप थोड़ा यहीं ऊपर जाओगे लेआउट में, इधर देखोगे तो यहाँ के सारे अलाइनमेंट यहाँ भी मिलेंगे आपको, है ना। नो के नो अलाइनमेंट है। इस सेल के अंदर हमने टेक्स्ट को कहाँ एडजस्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी यही मिलेगा सेल्स के अंदर। सबसे पहले तो हमने टॉप, सेंटर और बॉटम एडजस्ट कर सकते हैं। हम सेंटर एडजस्ट कर लें, ओके करेंगे तो देखो ये सेंटर में आ गया। और इधर सेंटर करना होगा तो ये होम में भी था, मैंने आपको बताया था ना, ये लेफ्ट सेंटर और राइट, तो यहाँ से सेंटर कर लेंगे तो ये आ गया। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे दो बार करना पड़ा। इसको मैं वापस अंडू करता हूँ। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड यूज़ कर सकते हैं या फिर मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पे बताया था अंडू टाइपिंग का और रेडू टाइपिंग का, बताया था, है ना ध्यान। अगर हमें दो स्टेप की बजाय एक ही स्टेप में इसको यहाँ पे सेंटर में अलाइन करना होगा तो देखो लेआउट टैब में वापस जाएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे इस पे क्लिक, तो एक ही झटके में सेंटर से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज़ की। मैं वापस अंडू करता हूँ और इसको वापस इतना ही सेट कर देता हूँ। उसके बाद आता है ड्रॉ के अंदर। ठीक है, आ गया ना ड्रॉ का, यहाँ भी आ गया। अगर हम इंसर्ट करते हैं टेबल को और टेबल के अंदर जो मैंने बताया था ये ड्रॉ टेबल का मैं बाद में बताऊँगा, तो ड्रॉ का अभी वहाँ भी आ गया इसलिए मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया था। कन्वर्ट का भी आ जाएगा, अभी बताएंगे आगे, देखते चले जाना। ड्रॉ के अंदर क्या है, मैं नीचे चलते हैं, कुछ शेल हम कुछ रो हटा लेते हैं। चल ड्रॉ का बाद में बताऊंगा, साथ साथ जब हटा ही रहा हूँ तो मैं कुछ रो हमने कम करनी है या कुछ कॉलम कम करने हैं तो किस प्रकार करेंगे पहले वो बता देता हूँ। आप वापस यहाँ पे लेआउट में जाएंगे तो लेआउट में आपको यहाँ पे देखो जो ड्रॉ इरेज था इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा रोज एंड कॉलम्स। हमने इंसर्ट करनी है एक रो, कहाँ पे इंसर्ट करनी है, एक नई रो जोड़नी है, तो जहाँ पे कर्सर है उस कर्सर पोजीशन के ऊपर या उसके नीचे। तो ऊपर जोड़नी होगी तो इंसर्ट अबाव कर देंगे या नीचे जोड़नी होगी तो ब्लॉक। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं जी एफ यहाँ पे हूँ और इसके नीचे एक रो चाहिए मेरे को तो मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक। ठीक है, तो उसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही कॉलम हमको लेफ्ट में चाहिए राइट में, जहाँ पे कर्सर है उसके लेफ्ट में एक कॉलम चाहिए या उसके राइट में एक कॉलम चाहिए तो हम कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। अब आता है डिलीट का, हमने ये रो डिलीट करनी है जहाँ पे हम हैं, तो यहीं पे रो एंड कॉलम ग्रुप के अंदर ही आपको मिलेगा डिलीट का। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो ये कह रहा है डिलीट सेल, सिर्फ वो एक सेल डिलीट करना है या वो कॉलम डिलीट करना है जिस कॉलम के अंदर हम है या वो रो डिलीट करना है जिस रो के अंदर हम है। तो हमने रो डिलीट करनी है तो यहाँ पे रो पे क्लिक करेंगे, वो एक रो डिलीट हो गई। फिर से एक रो और डिलीट करनी है तो हम फिर से जाके डिलीट कर देंगे। अगर हमको चार पांच रो डिलीट करनी है तो हम चार पांच रो एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। यदि हमने सेलेक्ट नहीं करी है तो इस लास्ट पोजीशन पे हम रिपीट कमांड का यूज़ करेंगे। कोई भी कमांड आपने लास्ट टाइम जो दी है उसको अगर रिपीट करना होगा तो अपने कीबोर्ड से F4 की दबाएं। F4 की दबाएंगे तो हमारी एक एक करके रो डिलीट होने लगेंगी और देखो हमारी टेबल का साइज़ कम होता जा रहा है जितना मैं F4 दबा रहा हूँ। ठीक है, अब छोटी सी टेबल रह गई क्योंकि हमने लास्ट कमांड जो दी थी वो डिलीट रो की दी थी। ऐसे ही कॉलम डिलीट करना होगा तो हम कॉलम पे क्लिक कर लेंगे या टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी टेबल कंप्लीट डिलीट हो जाएगी। अब इस टेबल में एक सेल से नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए दोस्तों ये मैं बता दूं आपको टैब का यूज़ करेंगे।
टैब पे जाएंगे, देखो हम यहाँ पे मूव करते चले जाएंगे, चल रहा है ना हमारा कर्सर, यूँ मूव करता हुआ चला जाएगा, लिखते हुए चले जाएंगे तो ये लिखता हुआ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लास्ट सेल के अंदर पहुँचेंगे तो आप देखोगे वहाँ पे, यहाँ पे हमने लिख दिया, अब हम टैब यूज़ करेंगे तो देखो एक नई रो इंसर्ट हो जाती है ऑटोमेटिक, हो गई ना। लेकिन हमने क्या करना है, हमने टैब यूज़ नहीं करना है, हमने इस टेबल से बाहर आना है, तो हम एरो की यूज़ करेंगे, डाउन एरो, और इस टेबल से बाहर आ जाएंगे। अब एंटर यूज़ करें या टैब यूज़ करें, अब टेबल से हम बाहर आ चुके हैं, टेबल की सेटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो डिलीट का और इंसर्ट का हो गया ना, तो अब वापस चलते हैं हम फिर से टेबल के अंदर, और लेआउट में जो था हमारे पास ड्रॉ, हमने ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है कि हमने इस टेबल के अंदर इस सेल के दो पार्टीशन बनाने हैं, तो हम ड्रॉ में जाएंगे। अब देखोगे यहाँ पे पेंसिल आ चुकी है हमारे पास, है ना, और पेंसिल से हमने इसी सेल के अंदर अगर हमने दो कॉलम बनाने हैं तो यू लाइन बना देंगे, दो कॉलम बन जाएंगे, या फिर हमने इस रो को यूँ दो पार्टीशन में बनाना है तो यूँ रो बना देंगे, तो इसके यूँ दो पार्टीशन हो जाएंगे, या कंप्लीट सेल को हमने दो पार्टीशन में करना है तो पूरा कॉलम हमारा दो पार्टीशन में हो जाएगा, ठीक है। अब गलती से हमारे पास ये लाइन बन गई, इसको हटाना है, तो देखो यहीं ग्रुप में मिलेगा आपको इरेजर, अब इरेजर लेकर के इसको इरेज कर देंगे तो ये इरेज हो जाएगी। या फिर हम चाहेंगे इन दोनों को एक इकट्ठा करना है, मर्ज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। तो इरेजर का काम जरूरी नहीं है जो हमने बनाया उसी को इरेज करें, हम पहले से बनाई हुई लाइनों को भी इरेज कर सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अब चलता है हमारे पास नेक्स्ट आ गया मर्ज के लिए, देखो यहाँ पे था ना ये मर्ज, ये नहीं चल रहा ना, ये डिसेबल हो रहा है। क्यों डिसेबल हो रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई भी दो सेल सेलेक्ट नहीं किए हैं, मर्ज करने के लिए कम से कम दो सेल तो होने चाहिए ना, हमने कम से कम दो को सेलेक्ट किया, अब देखो ये मर्ज सेल का चल गया। अगर हम इरेजर यूज़ नहीं करते तो हम मर्ज सेल वाला ये ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इरेजर वाला ही काम करेगा और वो मर्ज हो जाएगा। स्प्लिट सेल के लिए भी वही काम करेगा जो हमने पेंसिल से काम किया था, जो ड्रॉ टेबल का किया था। अगर हमने इस सेल को स्प्लिट करना है तो हम स्प्लिट सेल पे जाएंगे कि इसमें हमने कॉलम दो बनाने हैं, रो एक ही रखनी है, ओके कर देंगे तो यहाँ पे कॉलम दो बन जाएंगे, रो एक रह जाएगी, है ना, इसी रो में दो कॉलम बन गए। या फिर हमने इस वाले में कॉलम एक रखना है, इसमें रो दो बनानी है, तब हम फिर से स्प्लिट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे तो कर देंगे हम एक और यहाँ पे कर देंगे दो, ओके, अब हमारे पास इसमें रो दो हो जाएंगी, है ना, या फिर सभी को सिलेक्ट कर लेंगे तो सभी में एक साथ दो रो बन जाएंगी। तो ये स्प्लिट सेल का और मर्ज सेल का था। अब आ जाता है स्प्लिट टेबल का। आप आइकॉन से ही समझ पा रहे होंगे कि हमने इस टेबल को यहाँ से दो भागों में बांटना है, तो यहाँ पे कर्सर को रखा और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दिया तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी टेबल, वहाँ से स्प्लिट हो जाएगी। फिर से टेबल में क्लिक रखेंगे और हम टेबल का पूरा लेआउट समझा देते हैं पहले आपको, यहाँ तक आ गए। अब आ जाता है ऑटो फिट। अब देखिए आपने जो टेक्स्ट लिखा है, मान लो इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख लिया कुछ ज़्यादा, अब हमने इस टेबल को फिट करना है टेक्स्ट के हिसाब से, तो क्या करेंगे, एक एक कॉलम को पकड़ के खींचेंगे ना, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सकता है हम सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चल जाएंगे ऑटो फिट में। और ऑटो फिट का कह रहा है ये कंटेंट्स के हिसाब से फिट करना है या फिर विंडोज़ के हिसाब से, तो हमने कंटेंट्स से फिट करना है तो कंटेंट्स पे क्लिक कर देंगे और ये कंटेंट्स के हिसाब से टेबल ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। अगर हमने विंडो के हिसाब से फिट करना है जहाँ तक हमारा मार्जिन है, तब हम फिर से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम ऑटो फिट में जाएंगे और इसको कर देंगे ऑटो फिट टू विंडो, ये वापस विंडो से फिट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कॉलम जैसे कम था, ये ऑटोमेटिक इसने एडजस्ट कर लिया, फिर से टेबल में रहेंगे। आगे आ जाता है इसकी हाइट और विड्थ, देखो यहाँ भी है, अगर हमने इस रो की हाइट बढ़ानी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, विड्थ कम ज़्यादा करनी है इसकी तो विड्थ कम ज़्यादा कर लेंगे, हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, टेबल हमारी टूट गई, क्योंकि हमने अलग अलग तरीके से इन सेल्स को मर्ज किया हुआ था, तो सिर्फ इसकी विड्थ कम हुई है, उसको मर्ज किया हुआ था वो उतनी रह गई, ठीक है। इसको मैं वापस कर लेता हूँ, हमने इसको करना है, इसका साइज कम करेंगे तो इसमें भी वही दिक्कत है, पहले एक नई टेबल इस प्रकार की ले लें कि जिसके अंदर ये हमने यू मर्ज नहीं कर रखा हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रो
और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, यहाँ पे हम उनका एक फिक्स साइज डाल सकते हैं पूरी टेबल्स का, तो ये ऑटोमेटिक सारे उसी हिसाब से हमने एक रो नहीं पूरी टेबल की सारी रो एडजस्ट ऑटोमेटिक अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी उस हाइट के हिसाब से। ठीक है, अगर इसको करना है हमने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स को इसके, तो हम कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो कॉलम का यहाँ साइज अलग अलग है। ठीक है, यहाँ भी अलग अलग साइज है, लेकिन इसको करके देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नहीं होगा। ये भी तो कब होगा, जब टेबल पूरी इक्वल है तो वो सारे एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सारे इक्वल हो जाएंगे। अलाइनमेंट के अंदर हमने अलाइनमेंट के सारे बता ही दिए। अब आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। हमने टेक्स्ट लिखा है, पहले मैं टेबल डिलीट कर लेता हूँ, हम वापस डिलीट में जाएंगे, इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ और एक नई टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम बता रहे थे डायरेक्शन की, हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम, या फिर ज़्यादा बड़ा नाम हो गया कि एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और हमको इस कॉलम का साइज कम चाहिए, कि ये कॉलम का साइज तो हमको बिल्कुल ही कम चाहिए, इतना ही साइज चाहिए बस। ठीक है, लेकिन नेम ऐसे नहीं आए, पूरा नेम आए, रो की हाइट बेशक बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम टेक्स्ट पे और यहाँ पे चले जाएंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन किस प्रकार की लेनी है, तीन डायरेक्शन दिखाएगा, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। जो हमको चाहिए वो हम ले लेंगे डायरेक्शन, और फिर कॉलम कम साइज आराम से एडजस्ट कर देंगे। तो हम इस तरह की राइटिंग करना चाहते हैं, तो ऐसी राइटिंग कैसे करेंगे, हम टेक्स्ट डायरेक्शन से उस टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। सेल में भी मार्जिन अलग से चाहिए हमको, तो हम सेल का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, कितना कितना मार्जिन चाहिए एक सेल के अंदर हमको। देखो कर्सर की पोजिशन ये है मान लो, और हम लेफ्ट से मार्जिन बढ़ाना चाहें अपनी राइटिंग पोजिशन का, तो लेफ्ट से हम मार्जिन बढ़ा लेंगे। ओके, तो देखो राइटिंग पोजिशन यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम पेज का मार्जिन कम ज़्यादा करते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, ऐसे एक सेल की राइटिंग का मार्जिन भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमने लेफ्ट का कर लिया, अगर हम करना चाहें टॉप का मार्जिन, ये हमने टॉप का मार्जिन और बॉटम का मार्जिन सेट कर लिया और ओके कर लेंगे, तो कर्सर की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे कर्सर राइट करना शुरू करेगा। अब आ जाते हैं डाटा के अंदर, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इस टेबल को, इस रो को हटा देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट बताना है आपको, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ रो। और अब सबसे पहले आ जाता है रिपीट हेडर रो, ये अभी छुपा हुआ है, इसको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट। और एक ऑप्शन था आपका इंसर्ट के अंदर ही, जब टेबल के अंदर था तो यहाँ पे भी था कन्वर्ट टू टेबल, यानी कि यहाँ पे है टेक्स्ट टू टेबल, और लेआउट के अंदर है आपके पास कन्वर्ट नंबर टू टेक्स्ट। कैसे कैसे करेंगे टेक्स्ट कन्वर्ट, देखो अब हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ये टेबल है मेरे पास, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा ले रखा है पहले ही, और मैं हेडर रो तो कर देता हूँ मैं बोल्ड, ताकि अच्छी सी टेबल नज़र आए। अब इस टेबल में सबसे पहले कह रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि ये टेबल है, टेबलर फॉर्म है, इसको हमने टेक्स्ट फॉर्म में लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसको अब हमने कैसे रखना है, टैब्स में रखना है, यानी कि लाइन ही लाइन हट जाए और टैब रह जाए बीच में, यानी कि इतना गैप रह जाए। आगे जब पहुंचेंगे पेज लेआउट के अंदर तब मैं टैब का यूज भी आपको बताऊंगा। ओके, या फिर हमने जितने भी ये कॉलम्स है इनमें बीच में कोमा यूज करना या अदर कोई सिंबल देना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं खाली यहाँ पे टैब रख लेता हूँ, ओके कर दूंगा, तो देखो टेबल गायब हो जाएगी और वहाँ पे टैब रह जाएंगी, यानी कि हमारा टेबल से टैब में टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। या फिर आपने टेक्स्ट कुछ इस तरह लिखा हुआ है टैब्स में, या हमने लिखा हुआ है कोमा में, ठीक है, एंटर, फिर हमने कुछ लिखा ऐसे, हमने कोमा डाल डाल के लिखा हुआ है क्या। अब इनको हमने टेबल में कन्वर्ट करना है, दोनों को करके देखते हैं, पहले इसको करेंगे, सेलेक्ट किया, और अब हमको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे टेबल के अंदर दिखा रहा था ये
कन्वर्ट टू टेबल, ठीक है। अब ये ऑप्शन चल जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे टेबल नहीं है, टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने कॉलम कितने, चार कॉलम है, चार ही रखने हैं या बढ़ाने हैं तो पाँच रख सकते हैं। रो यहाँ पे डिसेबल है, रो बाद में भी इंसर्ट हो सकती है, और ओके कर देंगे तो ये वापस टेबल में आ जाएगा हमारा सारा डाटा। या फिर इसको टेबल में करके देखते हैं, तो वापस हम इंसर्ट में जाएंगे और फिर से टेबल में जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे हम टेक्स्ट टू टेबल। और यहाँ भी चार कॉलम दिखा रहा है क्योंकि एक कोमा दो कोमा तीन कोमा चार है ना, रो तीन है, और ओके कर देंगे तो इसको भी ये टेबल में कन्वर्ट कर लेगा। तो इस टेबल को तो मैं डिलीट कर देता हूँ एक को। अब इसी टेबल में आते हैं फिर से, यहाँ पे था देखो शॉर्ट का है ना, यानी कि शॉर्ट किस प्रकार करना है। ये तो सीरियल नंबर हमने एक दो कंटिन्यू डाले हैं, शॉर्ट ही असेंडिंग ऑर्डर है। नेम हमारे देखो, अगर हमने नेम वाइज डिटेल रखनी है क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए टू जेड या जेड टू ए, हम इस कॉलम से शॉर्ट करना चाहें, या डेट ऑफ बर्थ वाइज कि सबसे छोटे पहले और सबसे बड़े लास्ट में कर दें, या रोल नंबर वाइज, मेरा किसी भी तरह से शॉर्ट नहीं है, मैंने जैसे एंट्री थी मैंने ऐसे एंट्री कर दी। अगर शॉर्ट करता तो टाइम लग जाता देख देख के पहले कौन आना है, लग जाता ना पूरे रजिस्टर में। अगर आप देखोगे कि पहले कौन सा डेट ऑफ बर्थ का है फिर कौन सी डेट ऑफ बर्थ का है तो छांटने में दिक्कत लगती है, तो हम उसको डायरेक्ट एंट्री कर देंगे और फिर बाद में उसको शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट के लिए हम शॉर्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कौन से कॉलम से शॉर्ट करना है आपने, सीरियल नंबर वाले से, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर। तो यहाँ पे हम करेंगे, हमने करना है डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम से, ठीक है। हेडिंग रो इसने ऑटोमेटिक रीड कर ली थी यहाँ पे। अब इसके अंदर दिखा रहा है टाइप डेट है भाई इसके अंदर, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है डी असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो हमने बढ़ते हुए क्रम में करना है असेंडिंग ऑर्डर, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे इसको। तो अब देखोगे यहाँ पे ये सारे डेट वाइज हो जाएंगे। जो मोहन नीचे था वो 1999 में सबसे छोटा था, सबसे पहले आ गया, फिर ये 33 वाला, फिर 3/4/2000 वाला, उसके बाद 2001 2002, इस हिसाब से आराम से असेंडिंग हम डिसेंडिंग कर सकते हैं। या फिर रोल नंबर वाइज करके देखना चाहें तो फिर से शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम इस बार चुन लेंगे रोल नंबर और असेंडिंग ऑर्डर और ओके। देखो अब इसने रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया ना, जो मोहन ऊपर आ गया था तीसरे नंबर पे है मोहन, क्योंकि इसका रोल नंबर 123 रोल नंबर है। फॉर्मूला भी हम यहाँ पे वर्ड में लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर हमने इनका टोटल करके देखना है तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम सम, वहाँ पे लिख देंगे अबाउ, नंबर फॉर्मेट क्या चाहिए, क्योंकि डेसिमल में तो आना नहीं क्योंकि डेसिमल वहाँ पे है नहीं, तो हम ज़ीरो ले लेंगे और ओके कर देंगे। ये फटाक से इनका सम कर देगा। ऐसे एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम देख सकते हैं, मिनिमम देख सकते हैं। बाकी फॉर्मूले का काम तो एक्सेल में, आप जब एक्सेल सीखोगे तो वहाँ बेटर काम होगा और अच्छा काम होगा। अब इंसर्ट के अंदर हम चल रहे थे टेबल के अंदर, सबसे पहले हमने इंसर्ट में गए थे, हमने टेबल करवा रहे थे वहाँ पे, और टेबल के अंदर हम यूँ आए थे तो वहाँ पे हमारे लेआउट चल गया था, हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया। और डिज़ाइन पे जाएंगे तो यहाँ से हम टेबल की डिज़ाइन ले सकते हैं, ओके। डिज़ाइन के अंदर किस तरह का डिज़ाइन चाहिए हमको टेबल का, ये कुछ रेडीमेड डिज़ाइन है, जैसा हम डिज़ाइन लेना चाहेंगे वो टेबल नीचे शो करता हुआ दिखाएगा। और ओपन करके देखेंगे तो और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, हम जैसा मर्जी डिज़ाइन चुनना चाहें वो डिज़ाइन चुन सकते हैं। या इसके अलावा कोई भी एक डिज़ाइन ले लिया हमने और उसको मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ से, या फिर कोई नई टेबल बनाएंगे अपनी तो यहाँ से बना लेंगे। न्यू टेबल पे जाएंगे और हम नई टेबल, उसका नाम हम डाल देते हैं ट्रिपल बी हमने डाल दिया। स्टाइल बेस नॉर्मल टेबल पर ही बनाना है। और फॉर्मेटिंग कैसी अप्लाई करनी है, हमने पूरी टेबल पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कैसी, उसका टेक्स्ट कैसा चाहिए, उसका साइज टेक्स्ट का बोल्ड चाहिए, इटैलिक या अंडरलाइन जो भी लेना होगा, कलर जैसा चाहे उसके टेक्स्ट का कलर हम ले सकते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पे ब्लू, ओके। फिर जो टेबल का बॉर्डर बनाएंगे उसकी लाइनें कैसी लेनी है, वो लाइनें हम यहाँ पे चुन लेंगे, मैंने डबल लाइन चुन ली। साइज लाइन का कितना रखना है, मोटी लाइनें बनानी है बारीक बनानी है, और कलर हम कलर भी दे सकते हैं उन लाइनों का, ओके। और बॉर्डर कैसा चाहिए हमको, प्रत्येक शेल का बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे आल बॉर्डर क्लिक कर देंगे तो प्रत्येक शेल का बॉर्डर बन जाएगा। फिल करना चाहते हैं अब हमने डिज़ाइन बनाना, भाई हेडर रो है इसको अलग से फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, अब डिज़ाइन में यहाँ पे चेंज कर लेंगे, अब कर देंगे सिर्फ हेडर रो को,
और यहाँ पे आके कर देंगे हेडर रो को फिल हम येलो कलर से, तो सिर्फ हेडर रो फिल हो जाएगी। या इसके अलावा हम जो जो रो फिल करना चाहें, जो जो कॉलम कि हमने फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम या ऑड बेस रो या ऑड बेस कॉलम्स जो भी हमने फिल करने हैं, एग्जाम्पल हम ऑड बेस कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे ऑड बेस कॉलम को कर देते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसको ये लाइट ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये 1, 3 और 5 ये ऑड बेस कॉलम यहाँ पे कलरफुल हो गए, और ओके कर देंगे तो ट्रिपल बी नाम की ये स्टाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब उसको हमने इस पे अप्लाई करना है इस टेबल पे, तो देखो यहाँ पे ये आ गई टेबल हमारी ट्रिपल बी के नाम की, और इसको क्लिक कर देंगे तो वो टेबल उसी कलर में सेट हो जाएगी। यहाँ से हमने स्टाइल बना ली, यहाँ पे दिखा रखा देखो हेडर रो बेस रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर हम सेलेक्ट करना चाहें किस किस का हमने डिजाइन चेंज करना है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे टेबल पे तो उसी प्रकार सभी की चेंज कर देगा। यहाँ पे मैंने पहले रो कॉलम चेंज नहीं किया था, कॉलम पे क्लिक कर दिया तो जो टेबल का था वो कॉलम पे भी आ गया। कॉलम का कलर नहीं चाहिए तो हम वापस यहाँ से हटा सकते हैं, तो कॉलम का कलर नहीं आएगा जो हमने स्टाइल बनाई थी उसका भी। और फिर अलग से हम सेटिंग करना चाहें, इसमें हमने कलर डालना है, इस कॉलम का अलग करना है, तो यहाँ से हम सिंगल कॉलम का अगर चाहें बाद में भी, तो सिंगल कॉलम्स का भी हम यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, जिस टेबल को हमने डिज़ाइन कर लिया उसके बाद भी हम यहाँ से बाद में भी चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन नहीं किया है, सिंपल टेबल है तो उसमें भी हम यू कलर फिल कर सकते हैं, या फिर लाइनें हमने चेंज करनी है बॉर्डर की, पूरी टेबल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हमने अपनी टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है कि बॉर्डर हमको यही रखना है और बॉर्डर हमने ऑल बॉर्डर रखना है तो ऑल बॉर्डर वही हो जाएगा, है ना। यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं बॉर्डर्स के अंदर सेटिंग में, उसमें कलर डाल सकते हैं किसी कॉलम में या रो में। तो ये डिज़ाइन का टूल्स था, इसमें सिर्फ हम अपने टेबल की डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं। लेआउट में हमने एक और छोड़ दिया था रिपीट हेडर रो को, अभी भी नहीं चल रहा ना। हेडर रो रिपीट क्यों करेंगे, ये टेबल मान लो हमारे पास काफ़ी बड़ी टेबल है, मैं यहाँ पे एक रो इसके नीचे इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये बहुत सारी रो इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। ये टेबल मान लो मेरे पास हो गई 2, 3, 4 पेज के अंदर, ठीक है, नीचे तक है ना, और हम इसका प्रिंट आउट लेंगे तो देखो ये जो हेडर रो है ये सिर्फ इस पेज के अंदर आएगी, बाकी दूसरे पेज के अंदर ये शो नहीं कर रही है। अगर हम उन्हें सभी पेज में शो करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इस रो को सेलेक्ट कर लेंगे, हो गई सिलेक्ट, और सेलेक्ट करते ही देखो ये ऑप्शन चलने लगेगा और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी हेडर रो रिपीट हो जाएगी प्रत्येक पेज के ऊपर यहाँ भी। और अगर नया पेज है, नई टेबल है, हम जैसे यहाँ पर अब रो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट 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 इंसर्ट, जैसे हम नए पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ भी अब देखो अपने आप ये हेडर रो रिपीट हो गई है। ओके, अब फिर से वापस इंसर्ट में आते हैं, टेबल का हमारा क्लियर हो गया, काफ़ी बड़ा ऑप्शन था टेबल का और काफ़ी यूजफुल था। तो फ्रेंड्स हमारा टेबल का ऑप्शन ही इतना बड़ा था कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है और काफ़ी बढ़ जाएगा अगर मैं पूरा इंसर्ट समझाऊंगा तो। बाकी इतने ज़्यादा बड़े फंक्शन नहीं है, फटाफट करवा दूंगा इंसर्ट को, और डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है, डिज़ाइन भी हम जल्दी करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपका काम आएगा पेज लेआउट के अंदर और मेलिंग के अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके हम बहुत जल्द उपस्थित होंगे। हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, हमें लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।